उसके साथ जाके कर जाता है बाइंड। अब बाइंड भी करता है कैसे जी, कोवलेंट बॉन्ड के साथ। अब कोवलेंट बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है, इसने तो गवानीन को बिल्कुल ही बंद कर दिया, चेंज कर दिया, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। जब गवानीन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होगी, तो जब यहाँ गवानीन नहीं होगी तो साइटोसिन जितने भी पड़े होंगे वो तो बेकार हो जाएंगे, वो तो बॉन्ड बना ही नहीं सकेंगे। अब ऐसा तो नहीं ना कि सारा डीएनए ATATATAT पे ही कंप्राइज कर जाए, ऐसा तो नहीं होगा। हमारे पास डेफिनेटली चेंज तो आएगा। तो जब हमारे पास ये नहीं होगा तो डीएनए के किसी पोर्शन में भी हमारे पास ये लगा हुआ है, आती है हमारे पास कार्बोनियम आयन आया, यहाँ गुआनीन लगा हुआ था, उसने गुआनीन के नाइट्रोजीनियस बेस के N7 को छेड़ा, अपने साथ बाइंड किया, इसको अल्काइलेट किया और खुद चली गई। और ये यहाँ से क्या हो गया, इसने यहाँ से अपना लिंक तोड़ा। जब लिंक तोड़ा तो डीएनए का स्ट्रैंड आपस में खुल गया। जब डीएनए का स्ट्रैंड खुल गया तो इंटरस्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए इनहिबिट हो गई, आपस में डीएनए का मॉलिक्यूल जुड़ के नहीं रहा, जिसकी वजह से डीएनए खराब हो गया। जब किसी तरह का डीएनए खराब हो जाएगा तो आगे मैसेंजर आरएनए, आरएनए प्रोटीन्स कुछ भी नहीं बनेगा, कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं, तो सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे हमारे पास साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है जी। आपने इसको ऐसे ही याद करना है, बाकी आप अगर पढ़ना चाहें तो डिफरेंट बुक से आप डिफरेंट वे से इसको पढ़ सकते हैं, ब्रीफली लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अल्कलेटिंग एजेंट की ड्रग्स की, तो हमारे पास पहली है जी साइक्लोफॉस्फामाइड। हम लोग ना अल्कलेटिंग एजेंट्स की बात करें तो इसमें पहली क्लास है जी हमारे पास नाइट्रोजन मस्टर्ड की। नाइट्रोजन मस्टर्ड में हम लोग देखें तो हमारे पास जो मेन ड्रग है वो जी हमारे पास साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड हमारे पास ना बेसिकली इज अ प्रो ड्रग, जो आपने इसके बारे में बातें याद रखनी है वो ये लिखी हुई हैं कि हमारे पास ये प्रो ड्रग एक्टिव फॉर्म में नहीं होती, ये सेल के अंदर जाके एक्टिव होती है, ठीक है। ऑरल भी दे देते हैं, आईवी भी दे देते हैं, आईवी भी दे देते हैं, लिवर से मेटाबोलाइज होती है हमारे पास। साइक्लोफॉस्फामाइड जो है ना बेसिकली हमारे पास दो मेटाबोलाइट्स के अंदर चेंज होती है, फॉस्फामाइड मस्टर्ड सॉरी, और दूसरा हमारे पास है जी एक्रोलीन। अब फॉस्फोरमाइड मस्टर्ड जो है ना, ये हमारे पास बेसिकली अल्काइलेटिंग एजेंट है, बेसिकली जो एक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव मॉइटी है जो हमारे पास सारे काम कर रही है, ठीक है, जो हमारे पास मतलब बेनिफिशियल काम करेगी। जो इसका दूसरा मेटाबोलाइट है ना एक्रोलीन, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास अनवांटेड इफेक्ट्स के लिए या साइड इफेक्ट्स के लिए। अब जो इसका मेजर साइड इफेक्ट है ना, वो हमारे पास है जी माइलोसप्रेशन। माइलोसप्रेशन करता है जी बोन मैरो को सप्रेस कर देता है हमारे पास, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है हमारे पास, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसिव तो बहुत ही ज़्यादा है हमारे पास साइक्लोफॉस्फामाइड, याद कर लें साइक्लोफॉस्फामाइड इज इम्यूनो सप्रेसिव, या हमारे पास इम्यूनो सप्रेसिव भी है, ठीक है जी, इम्यूनो सप्रेसिव है, ठीक है जी। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया, बोन मैरो सप्रेस हो गया, कोई सेल नहीं बन रहा, तो इसकी वजह से जो मेजर बीमारी होती है वो होती है सिस्टाइटिस। ये इसके यूज से ना सिस्टाइटिस हो जाता है। सिस्टाइटिस ना बेसिकली UTI इन्फेक्शन है हमारे पास। तो अब हमें पता है कि हमारे पास जब बोन मैरो सप्रेस हुई हुई है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ हुआ है, तो बैक्टीरिया जो है ना वो एविड टारगेट समझ लेते हैं ऐसे शख्स को कि हम इसमें जल्दी जल्दी अटैक कर देते हैं और ये जल्दी जल्दी बीमार भी हो जाएगा, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम तो काम पहले नहीं कर रहा। तो उन लोगों को मोस्टली ना इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे सिस्टाइटिस हमारे पास हो गया, बाकी GIT प्रॉब्लम हो गया, वोमिटिंग, हेरी, डायरिया, रैश, हल्का फुल्का, ये काम करते ही करते हैं। सिस्टाइटिस के बारे में याद रख लेना है। यूजेज में आप याद रख लें जी हॉजकिन लिम्फोमा और बर्किन लिम्फोमा में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग दो चीज़ें देते हैं, एसिटाइलसिस्टीन दे देते हैं, या तो हम लोग दे देते हैं मेंसा। ये एसिटाइलसिस्टीन क्या करती है जी, जाके बाइंड कर देती है जी हमारे पास एक्रोलीन के साथ और उसको इनहिबिट कर देती है। मेंसा भी हमारे पास क्या है, ये प्रो ड्रग है, मतलब प्रो फॉर्म में होती है, एक्टिव होती है जी, सोडियम टू मार्केप्टो इथेन सल्फोनेट। अब ये क्या करता है, ये जाके कम्प्लेक्स बना देता है एक्रोलीन के साथ। जब ये एक्रोलीन के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा तो एक्रोलीन कोई भी साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो इस तरह हमारे पास अनवांटेड इफेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह एंटी कैंसर थेरेपी को। तो यहाँ तक हमारे पास था साइक्लोफॉस्फामाइड। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये अगर हम लोग अल्काइलेटिंग में अगले एजेंट्स की बात करें तो हमारे पास आते हैं नाइट्रोसो यूरिया में हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं, लोमस्टीन आती है और कार्मस्टीन है। लोमस्टीन और कार्मस्टीन हमारे पास बेसिकली आपने बस इतनी बातें याद रखनी है, हाईली लिपिड्स वाले हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है, और माइलोसप्रेसिव है। इनके इसके अलावा इसमें आपने कोई भी बात याद नहीं रखनी है, सबका खास एज सच यूज नहीं है इनका। बिसल्फान की बात करें हमारे पास, ये अदर एजेंट्स हमारे पास हमें दो तीन लिखे हुए हैं, इनमें से बिसल्फान हमारे पास ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैंने उसका लिख दिया है, बाकी अगर मैं बता दूंगा आपको। बिसल्फान में हमारे पास क्या आता है कि आप इसको किसी भी तरह पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी आप लोगों की। सो ये क्या करती है, डिप्रेस करती है हमारे पास बोन मैरो को। बोन मैरो में क्या करती है, डिप्रेस स्पेसिफिकली ग्रैनुलोसाइट्स की फॉर्मेशन को। अगर लो डोज में दे रहे हैं तो प्लेटलेट की फॉर्मेशन और ग्रैनुलोसाइट की फॉर्मेशन को कम करती है, हाई डोज में देंगे तो RBCs की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी हमारे पास। तो बेसिकली ये इन दो सेल्स की हमारे पास सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, और इसका यूज़ ही हमारे पास ये क्रोनिक ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया, इस केस में हमारे पास ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे पहले प्रोकार्जापिन की बात कर लेते हैं, तो प्रोकार्जापिन के बारे में एक बात बस आप याद कर लें, हिफ्स कर लें, इसका डाइसल्फिराम लाइक एक्शन होता है। वो मैंने पहले भी बताया था आपको कि डाइसल्फिराम लाइक एक्शन हमारे पास क्या आता है जी, कि एथेनॉल के साथ वो फ्लशिंग कर देते हैं, मतलब अजीब से लिशकारे नजर आना शुरू हो जाते हैं एथेनॉल के साथ अगर दे दें तो। प्रोकार्जापिन भी अगर आपने एथेनॉल के साथ दे दिया ना, तो बस उसको भी डाइसल्फिराम लाइक एक्शन नजर मतलब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें हमारे पास प्रोकार्जापिन की जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है हमारे पास कि इंटरफेयर करती है जी माइटोसिस को, इंटरफेस के ऊपर ये हमारे पास ना माइटोसिस की को इंटरफेयर करती है एट द स्टेज ऑफ इंटरफेस, मतलब कि ये इंटरफेस वाले प्रोसेस को इनहिबिट कर देती है, ठीक है, इंटरफेयर करती है उसके अंदर। डीएनए की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करती है, आरएनए की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करती है हमारे पास, ठीक है जी। अगर हम लोग डिकार्ड इसके बारे में बस ऐसी या खास बात नहीं इसके बारे में, अगर हम लोग डिकार्जापिन की बात करें तो प्रोड्रग है हमारे पास, लिवर से जाके मेटाबोलाइज होती है, एक्टिव मॉइटी बनता है हमारे पास जो आगे जाके अल्काइलेशन कर देता है, नोजिया वोमिटिंग डायरिया रैश ये सारा कुछ कर देती है हमारे पास, ठीक है जी। इसके अलावा और कोई भी ऐसी इसमें खास बात नहीं है हमारे पास। हाँ ये है कि हमारे पास ल्यूकोजेनिक कार्सिनोमास भी इस्तेमाल होती हैं। डिकार्जापिन और प्रोकार्जापिन किसमें होती है हमारे पास, ल्यूकोजेनिक कार्सिनोमास के अंदर, ठीक है जी, ल्यूकोजेनिक कार्सिनोमास के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ल्यूकोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं। अगर वीडियो हमारे पास काफ़ी लंबी हो गई है, प्लैटिनम कंटेनिंग कंपाउंड जो है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।